हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काव्या जानी एंड कवन जानी। ये अनयूज मास्क है, उसका रीयूज हम करेंगे और इसके कुछ आइडियाज है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब है, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, ये यूज एंड थ्रो वाला मास्क है और इसका ये इलास्टिक है, उसको ऐसे काट लेना है। वैसे दूसरी ओर भी ऐसे काट लेना है, ये इलास्टिक को भी ऐसे काट लेंगे। ऐसे दो इलास्टिक हमें मिल जाएंगे। ये मास्क का इलास्टिक भी ऐसे कैंची से काट लेना है। देखिए, मैंने एक मास्क बनाया था, उसमें भी ऐसे इलास्टिक लगाया था, उसको निकाल लेना है, फिर उसको ऐसे मोड़ देना है, फिर ये दूसरी साइड भी ऐसे मोड़ देना है, फिर उनको ऐसे सिलाई कर लेना है यहाँ, और उसके बीच में ये इलास्टिक जो हमने निकाला था वो उसमें डाल देंगे, फिर उसको यहाँ ऐसे ज्वाइंट कर देना है। इलास्टिक को भी ज्वाइंट करना है और ये कपड़े को भी ऐसे ज्वाइंट कर देना है। देखिए, ऐसे ये क्रंची बनके तैयार हो जाएगी। वैसे एक कलर का दो तीन मास्क हो तो आप वो सबको ज्वाइंट करके इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी दिखती है। इसको आप क्रंची की तरह यूज कर सकते हो और इसको आप रबर बैंड की तरह बालों में भी यूज कर सकते हो। ये मेरा पहला आइडिया है, मैंने ये डोरी वाला मास्क बनाया था। अब इसको यहाँ ऐसे कैंची से काट लेना है, वैसे दूसरी ओर भी ऐसे कैंची से काट लेना है और साइड में ऐसे वो सिलाई कर लेना है और दूसरी साइड भी ऐसे सिलाई कर लेना है, तो ये प्यारा सा छोटा सा रुमाल बनके तैयार हो जाएगा। ये मेरा दूसरा आइडिया है। अब देखिए, ऐसे अलग अलग कलर के ऐसे मास्क को ऐसे जॉइंट कर लेना है और ये सब डोरिया निकाल लेना है और उसकी क्विल्ट बना लेना है, फिर उसका आप पर्स या बैग कुछ भी बना सकते हो, छोटी या बड़ी कोई भी साइज की आप ऐसे बना सकते हो। ये मेरा तीसरा आइडिया है और इसकी आप ऐसे हेयर बैंड भी बना सकते हो। ये मेरा चौथा आइडिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो फ्री में सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, इसलिए मैं जब भी नई वीडियो रखूं तो आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, इसलिए वो भी ऐसा यूज कर सके।